तो आपको बड़ी खबर बता दें, प्रियंका गांधी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रियंका गांधी पर अरेस्टिंग के चार्ज हैं, 151, 107, 116 की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रियंका के लिए पीएसी को बनाया गया है अस्थायी जेल, 4 अक्टूबर को तड़के किया गया था गिरफ्तार। एसएचओ हरगांव ने मजिस्ट्रेट को भेजी थी चालान रिपोर्ट, एसएचओ की रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट ने बनाया रिमांड। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऑडियो मैसेज के थ्रू क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और तानाशाहीपूर्ण कदम, पहले लखीमपुर खीरी जाने से श्रीमती प्रियंका गांधी को रोका गया, उन्हें अवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से डिटेन किया गया। जब प्रियंका जी ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, अपनी अघोषित गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, तो अब कुछ आईपीसी की धाराएं लगाकर, झूठी धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस इस गिरफ्तारी से, तानाशाहीपूर्ण रवैये से घबराने वाली नहीं है। सारा देश लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है, और जिस जेल में भी प्रियंका गांधी को रखेंगे, जहां भी प्रियंका गांधी को रखा जाएगा, और अब तो सीतापुर चलो अभियान होता है या कहीं जहां वो प्रियंका गांधी जी को रखेंगे वहां चलो अभियान चलेगा, और आप नए गिरफ्तार करिए और हम उत्तर प्रदेश में आकर के जेलें भरने का काम करें।